देश भर से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर से जुड़े सभी प्रोफेशनल्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कितना एफिशिएंट है, किस प्रकार मिशन ओरिएंटेड है, इसे आपने पूरी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश किया है। ये खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं, वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स के टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत, एश्योर्ड इनकम है। भारत सरकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा, तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्था से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थिति अब नहीं रही है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी डेवलप करें। आपको इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी इतनी योजनाएं हैं, और इन कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत बना सकती है। और आपने देखा होगा कि हमारे आयुर्वेद ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, खास करके कोरोना के कालखंड में हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो हैं, आज दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मतलब कि इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। हम सब मिलकर के इन योजनाओं को भी कैसे ले जाएं, मैं चाहूंगा खुले मन से लीडरशिप रोल लेने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए आप आइए। सिर्फ बजट के आंकड़ों से बात बनने वाली नहीं है जी। और हमने अब बजट 1 महीना प्रीपोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फरवरी और मार्च महीना बजट के सारे प्रावधानों के लिए योजनाएं तैयार करने में सुविधा, और 1 अप्रैल से ही हमारा नया बजट एक्चुअली जमीन पर फंक्शन करने लगे, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटकम की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
मैं आप सबका बहुत आग्रह से अनुरोध करता हूं कि आज की इस चर्चा को जीवंत